चेक 1 2 3। विपिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, माइक चेक। कोशिश लगातार जारी है कि हमारी आवाज पहुंच जाए विपिन तक और उनसे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। बहरहाल, सनाउल्लाह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था सनाउल्लाह के ऊपर। पिछले 17 सालों से कोर्ट भलबल जेल में जम्मू कश्मीर के बंद था और 3 मई को यह पूरा मामला सामने आया जब कैदियों के बीच में आपसी झड़प हुई और उसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उम्र कैद की सजा काट रहा था सनाउल्लाह, 17 साल से जम्मू की ही जेल में बंद था। बहरहाल, इस पूरे मामले में ताजा जानकारी यह है कि 3 डॉक्टरों की टीम आज पोस्टमार्टम करेगी। 11:30 बजे के करीब पोस्टमार्टम किया जाएगा, बकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और उसके बाद जो वीडियो होगा वो, साथ ही सनाउल्लाह का शव क्या सौंपा जाएगा इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से मांग की गई है कि उसके शव को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। कैदियों की झड़प में घायल हुआ था सनाउल्लाह और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो पाकिस्तानी कैदी है जिसको आप देख पा रहे हैं। घुसपैठ के आरोप लगे और उसके बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। यहां की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराने के, यानी कि एक के बाद एक कुल 8 गंभीर आरोप सनाउल्लाह के ऊपर लगे हुए थे जो साबित भी हो गए थे कोर्ट में और इसी वजह से उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 17 साल हो गए थे उसे जम्मू की कोर्ट भलबल जेल में बंद हुए और वहां पर वो अपनी सजा काट रहा था, लेकिन 3 तारीख को कैदियों के बीच में आपसी झड़प हो गई जिसके बाद वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था, कोमा में चला गया था पाकिस्तानी कैदी और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। डीप कोमा में था सनाउल्लाह, की किडनी फेल हो गई थी, डायलिसिस पर उसे रखा गया था और लगातार कोशिश इस बात की गई कि उसे बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स इसमें नाकाम रहे और आज सुबह उसने चंडीगढ़ पीजीआई में अपनी अंतिम सांस दी है। जम्मू की कोर्ट भलबल जेल में जख्मी हुआ था सनाउल्लाह, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल, इस पूरे मामले में क्या उसके शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा और क्या बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सरबजीत के मामले में देखा था, भारत ने एक विशेष विमान भेजा था उनके शव को ले आने के लिए, क्या पाकिस्तान भी कुछ इस तरह से करने वाला है? इसी अब तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है जिसमें इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मामले की जांच की जो बात कही गई है उसे भारत ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है और कहा है कि ये द्विपक्षीय मामला है और दरअसल वो एक सजायाफ्ता कैदी था, यानी कि सजा काट रहा था। ऐसे में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता है। बहरहाल, पूरे मामले की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और इस मामले में आपको ये भी बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। एक बार फिर से विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी चित्रा जी। विपिन, सवाल ये है कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या होना है? देखिए चित्रा, 11:30 बजे के करीब अगर सनाउल्लाह के पोस्टमार्टम की बात करें तो चंडीगढ़ ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल जो स्पेशल वार्ड में सनाउल्लाह को रखा था, जहां पर 2 डॉक्टर्स, पीजीआई के 2 मशहूर डॉक्टर्स जो थे, ट्रॉमा हेड और साथ में न्यूरो हेड, इनकी जो है पूरा इलाज कर रहे थे, लेकिन सनाउल्लाह को बताया नहीं जा सका है। पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आपको बताना चाहूंगा, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा पीजीआई को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि जब 5 दिन पहले सनाउल्लाह को यहां पर रेफर किया गया था जम्मू जेएमसी से, तो उसके बाद जो है सेना और हिंदू संगठनों के द्वारा ये धमकियां दी जा रही थी कि सनाउल्लाह का इलाज जो है यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। उसी के बाद से अगर बात करें, यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई थी। अभी फिलहाल जो है जो प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो पीजीआई में चल रही है। उसके बाद 11:30 के करीब जो है सनाउल्लाह का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि दिल्ली में जो बैठक है उसी में ये फैसला दिया जाएगा कि क्या शव जो सनाउल्लाह का शव है उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा कफन दफन के लिए या यहीं पर इंडिया में ही उसका कफन दफन किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरबजीत के मामले पर जिस तरह से पाकिस्तान में हाई अगर इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें, वो बनाया गया था शव को लेकर और भारत लाकर ही उसका संस्कार किया गया था, क्या पाकिस्तान की ओर से कोई दबाव इस तरह का बनाया जाता है या नहीं? वहीं जांच के लिए जिस तरह से बताया है मेरे सहयोगी ने कि जांच के लिए पहले ही मना किया जा चुका है कि किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय जांच जो है वो नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि सजा जाब्ता एक मुजरिम था अगर बात करें सनाउल्लाह की, और जिस तरह से उन पर हमला जेल में और इलाज के लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो सवाल या निशान खड़े किए गए थे उनमें पूरी तरह से नकार दिए गए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पीजीआई एक प्रतिष्ठित जो है चिकित्सक संस्थान है और यहाँ पर सनाउल्लाह के इलाज में किसी भी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती गई है। जी चित्रा बिल्कुल, और इसके पहले पाकिस्तान सवाल उठाया, शायद यही वजह है कि पोस्टमार्टम का भी पूरा वीडियोग्राफी उसकी कराई जाएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है आपको? बिल्कुल।